Hello students, welcome you again on my channel e-learning with Suman. Today we are going to discuss worksheet number 88. आज बच्चों जो मैं आपको वर्कशीट करवा रही हूँ वो वर्कशीट है जो 6 to 8 कॉमन वर्कशीट आती है 6 to 8 की. वीक में एक ही दिन आती है कॉमन वर्कशीट, सैटरडे को वर्कशीट आती है हमारी कॉमन वर्कशीट, और वर्कशीट नंबर है हमारी 88. डेट है हमारी 28 नवंबर. क्लास हमारी 6 to 8 कॉमन वर्कशीट है ये. आज की जो हमारी कॉमन वर्कशीट है, कॉमन वर्कशीट का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या है, हमारी वर्कशीट का टॉपिक है एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन देखो, टास्क नंबर ए दिया गया है हमें यहाँ पर. राइट गुड फॉर द थिंग दैट इज गुड फॉर अवर लंग्स एंड बैड फॉर द थिंग दैट इज बैड फॉर अवर लंग्स इन द गिवन बुक. देखो लास्ट जो प्रीवियस वर्कशीट आई है पोल्यूशन पे, उसमें उससे आपको ये तो क्लियर है ही कि कौन सी चीजें पोल्यूशन होता क्या है और कौन सी चीजें हमारे लंग्स के लिए बैड है और कौन सी गुड है. देखो पिक्चर में यहाँ पर जो गिवन है क्या है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है तो ये हमारे लंग्स के लिए बैड है बेटा या गुड है, तो बैड है ये हमारे लंग्स के लिए. तो हमें यही लिखना है बॉक्स में, जो चीज हमारे लिए बैड है हमारे लंग्स के लिए वो बैड लिखनी है और जो गुड है. अब ये देखो हरी भरी हरियाली है, ग्रीन सिनेरियो है, तो ये क्या है, हमें फ्रेश एयर मिलेगी हमारे लंग्स को, तो ये क्या है हमारे लंग्स के लिए गुड है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गुड लिखेंगे बेटा. नेक्स्ट देखो क्या, जो ये पराली वगैरह जलाते हैं तो इससे क्या है, इस बर्निंग से धुआं निकलता है, दिल्ली में जो स्मोक का कारण भी मेन माना जाता है, तो ये क्या है, ये भी हमारे लंग्स के लिए बैड है. ब्रीथ मुश्किल से हम सांस ले पाते हैं स्मोक के कारण. नेक्स्ट देखो, अगर आप एक पेड़ लगाते हो गमले में आपका लगा हुआ है तो ये आपके लिए लंग्स के लिए क्या है, गुड है. नेक्स्ट देखो, जो मोटर गाड़ियां हैं, कार व्हीकल्स हैं, व्हीकल से जो स्मोक निकलता है, जो धुआं निकलता है वो क्या है, वो भी हमारे लंग्स के लिए बैड है, तो हम क्या राइट करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर बैड राइट करेंगे. अब देखो, रीड द रिपोर्ट बाय WHO एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. अब देखो ये जो WHO होता क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी इंटरनेशनल जो है संस्था है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. क्या है WHO की फुल फॉर्म, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन. ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन. एयर उन्होंने एक रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो रिपोर्ट दी गई है और नीचे हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमें रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ना है और फिर उन क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं. एयर पोल्यूशन किल्स एन एस्टिमेटेड 7 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर. एयर पोल्यूशन WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एयर पोल्यूशन से लगभग एक साल में 7 मिलियन पीपल है जो उनकी डेथ होती है. उसका कारण क्या है, वायु प्रदूषण. ये किसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, WHO के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये आ गई फुल फॉर्म इसकी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. डाटा शोस दैट 9 out of 10 पीपल, 10 पीपल में से 9 out of 10 पीपल ब्रीथ एयर दैट एक्सेल्स. WHO गाइडलाइन लिमिट्स कंटेनिंग हाई लेवल ऑफ पोल्यूटेंट्स. ह्यूमन एक्टिविटी दैट आर मेजर सोर्स ऑफ आउटडोर एयर पोल्यूशन इंक्लूड. अब आदमी की कौन सी एक्टिविटी, आप सोचते देखो, आप देखो कितना आपका कितना कंट्रीब्यूशन है एयर पोल्यूशन में, क्या क्या आपकी कौन सी एक्टिविटी है जो एयर को इफेक्ट करती है, तो यहाँ पर दिया गया है कि ह्यूमन एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं जिससे जो मेजर सोर्स है एयर पोल्यूशन का, फ्यूल कंबस्टन फ्रॉम मोटर व्हीकल. अब देखो ये मोटर व्हीकल जो भी कार्स वगैरह हैं, जो हैवी व्हीकल्स हैं, उनसे निकलने वाला जो धुआं है, जो मतलब उनका फ्यूल, जब ईंधन उनका दहन होता है, फ्यूल कंबस्टन को हिंदी में बोलते हैं ईंधन दहन, मतलब जब उनका फ्यूल जलता है तो जो मोटर गाड़ी से धुआं वगैरह स्मोक वगैरह निकलता है तो वो क्या है, वो भी मेजर सोर्स है एयर पोल्यूशन का. हीट एंड पावर जनरेशन. ऑयल, जब हम कोई ऑयल जलाते हैं, आप एग्जांपल ले लो मिट्टी के तेल का दिया, आपने देखा भी होगा बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने जब मिट्टी के तेल का दिया जलाते हैं तो उसमें से क्या निकलते हैं, उसमें से बहुत ज्यादा पोल्यूटेड एयर निकलती है. एंड कोल पावर प्लांट्स हैं एंड बॉयलर्स, ये भी क्या है,
मेजर सोर्स है पोल्यूशन के, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज। अब इंडस्ट्री देख लो, यहाँ पर कितना स्मोग निकलता है, इंडस्ट्रियल फैसिलिटी जो इंडस्ट्री की जो फैक्ट्रियां वगैरह है उनसे निकलने वाला धुआं, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज, माइंस एंड ऑयल रिफाइनरीज। ऑयल रिफाइनरीज ये इसके मेन सोर्स हैं एयर पोल्यूशन के। म्यूनसिपल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट साइट एंड वेस्ट बर्निंग। अब म्यूनसिपल एंड एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर में ये पराली किसका एग्जाम्पल है, एग्रीकल्चर का है, वेस्ट बर्निंग। अब जो फसल हम उगाते हैं फिर उसकी जो वेस्ट बच जाता है उसे किसान क्या करते हैं, बर्न करते हैं। वो तो लैंड पोल्यूशन का भी कारण है और एयर पोल्यूशन का भी कारण है, उससे लैंड की भी फर्टिलिटी कम होती है और एयर तो पोल्यूटेड होती ही है। रेजिडेंशियल कुकिंग, हीटिंग एंड लाइटिंग विद पोल्यूटिंग फ्यूल्स, ये सारे क्या है, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज है जो एयर पोल्यूशन का कारण बनती है। अब इस रिपोर्ट के बाद हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट आर द मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। अब देखो दिल्ली में एयर पोल्यूशन का मुख्य कारण क्या है, क्या है, आपने देखा होगा हम सांस भी मुश्किल से ले पाते हैं बच्चों, हमें पीछे क्या बांटा गया था। अब देखो कोरोना में तो हमने मास्क लगाए ही हैं, लास्ट नवंबर में हम, आपने देखा भी होगा हमें क्या बांटा गया था, हमें मास्क बांटे गए थे किससे बचने के लिए, स्मोक से बचने के लिए। अभी स्मोक का कारण क्या है दिल्ली में कि इतना जो एयर है इतनी पोल्यूटेड होती है। आंसर है देखो यहाँ पर व्हाट आर द मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली, लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स फर्स्ट है, लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स, ये आंसर है फर्स्ट का, लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स, पावर प्लांट्स दैट यूज कोल एंड ऑयल, इंडस्ट्रीज, वेस्ट बर्निंग, ये है मेन कारण। किस चीज के मेन कारण है ये, व्हाट आर द मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। आप लिख लोगे यहाँ से वीडियो को पॉज करके, क्वेश्चन वन का आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन सेकंड है देखो, हाउ मेनी पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू एयर पोल्यूशन, कितने अबाउट, हमारी वर्कशीट में ऊपर आया था जो WHO की रिपोर्ट थी, ये रहा अबाउट एस्टिमेटेड या अबाउट 7 मिलियन पीपल, 7 मिलियन, अबाउट 7 मिलियन पीपल एवरी ईयर। ठीक है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ WHO, क्या लिखोगे आप, वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये तीन क्वेश्चन है, आगे भी है हमारी वर्कशीट में। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द बॉक्स। अब देखो आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं और आपको जो भी है यहाँ पर फिलअप किससे फिल करने हैं। दिल्ली इज फेसिंग ए बिग चैलेंज ऑफ एयर पोल्यूशन नाउएडेज, सो आई विल नॉट यूज ऑन दिस दीपावली, क्या इसलिए मैं यूज नहीं करूंगा इस दीपावली पर, क्या, फाइव क्रैकर्स। तो फर्स्ट में क्या आएगा, फाइव क्रैकर्स, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे इस दीपावली कि मैं फाइव क्रैकर्स यूज नहीं करूंगा। ये है आपने, नेक्स्ट देखो सेकंड, आई विल रिक्वेस्ट माय पेरेंट्स, आई विल रिक्वेस्ट माय पेरेंट्स टू अडॉप्ट व्हेन दे गो टू देयर ऑफिस कारपूलिंग, क्या आएगा यहाँ पर, कारपूलिंग, CARPOOLING, कारपूलिंग। सेकंड में नेक्स्ट देखो, एवरीवन मस्ट स्विच ऑफ द इंजन ऑफ हिज व्हीकल व्हेन दैट लाइट इज ऑन, जब रेड लाइट ऑन हो तो आपको अपना जो भी आपके पास व्हीकल है उसका इंजन आपको क्या कर लेना चाहिए, स्विच ऑफ कर लेना चाहिए, बंद कर लेना चाहिए। आई विल प्लांट एटलीस्ट टू सैपलिंग, हमें दो पौध सैपलिंग, सैपलिंग टू मेक माई सिटी नीट एंड क्लीन, हमें एटलीस्ट दो पौधे हैं जो जरूर लगाने चाहेंगे ताकि एयर है जो हमारी जो उसकी सिचुएशन है उसमें इम्प्रूव हो, क्वालिटी में इम्प्रूव हो। ये थी बेटा जो आज की आपकी वर्कशीट आई है, किससे वर्कशीट है हमारी,
कॉमन वर्कशीट है 6 to 8, यहाँ से आप फर्स्ट का आंसर लिख लोगे और ये सेकंड, और यहाँ से ये फर्स्ट का आंसर है, ठीक है बच्चों, और सेकंड और थर्ड और लास्ट भी मैंने फिल करवाया है आपको। ये थी बच्चों जो आज की आपकी वर्कशीट आई है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।